फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जो कि है भगवान और इंसान की। एक इंसान था, यानी एक आदमी था, जो भगवान की बहुत तपस्या करता था और वो दिन रात भगवान की तपस्या करता था। उससे भगवान प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बता तेरी क्या इच्छा है, तुझे क्या चाहिए? तो उस इंसान ने कहा कि मुझे एक घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुझे जो भी चाहिए वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तू जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने पड़ोसी से क्या लेना देना, मुझे तो अपनी ज़िंदगी देखनी है, तो जो मैं मांग रहा हूँ आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, तो जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने एक गाड़ी मांगी। तो जब उसे एक गाड़ी मिली तो उसके पड़ोसी को दो गाड़ी मिल गई, क्योंकि भगवान ने उसे कहा था कि जो भी तुझे मिलेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो जब उसे एक गाड़ी मिली और पड़ोसी को दो गाड़ी मिली तो वो जल बुन गया कि उसके पास दो गाड़ी कैसे आ गई। इसके बाद उस व्यक्ति ने भगवान से एक घर मांगा। जब उसने एक घर मांगा, उसे एक घर मिला, तो उसके पड़ोसी को दो घर मिल गए। इससे उसको उसकी जो जलन है, जेलसी, और बढ़ गई कि मेरे पड़ोसी को मुझसे सब कुछ डबल मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो अपनी खुशी से खुश नहीं हो रहा, क्योंकि उसे एक ही गाड़ी चाहिए थी, एक ही घर चाहिए था जो उसे मिल रहा था, लेकिन उसे इस बात की जलन हो रही थी कि उसके पड़ोसी को उससे डबल मिल रहा था। यानी वो अपनी खुशी से खुश नहीं था, अपने पड़ोसी की खुशी से जल रहा था। अब इस बात से वो बहुत परेशान हो गया और उसने भगवान से कहा कि आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो जब भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ी तो उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब वो व्यक्ति इस बात से बहुत खुश था कि मेरी एक आंख फूट गई लेकिन मेरी पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। तो आप यहाँ देखिए कि वो अपनी खुशी में खुश नहीं है, बल्कि पड़ोसी की खुशी से उसको दुख हो रहा है। और उसने अपनी एक आंख भी फोड़ ली, उस बात में भी वो प्रसन्न है क्योंकि उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई थी। तो आजकल हम अपनी लाइफ में भी ये करते हैं कि हमें जो मिला हुआ है हम उससे खुश नहीं हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को जो मिला है या जो फेसबुक, सोशल मीडिया पर अपलोड होता है उसे देखकर हमें जलन होती है कि वो यहाँ घूमने गए हैं, उनके पास ये गाड़ी है, वो मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में और बहुत सारी मुश्किलें चल रहे हों। वो जो भी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हो, और सच में या असलियत में वो लोग बहुत ही परेशान हों। तो हमेशा आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसको एन्जॉय कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। तो आपको जो मिला है वो आपके कर्मों के अनुसार मिला है। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका फल आपको मिल रहा हो, या पिछले कर जन्म में आपने कुछ ऐसे पाप किए हों जिनका फल आपको भोगना पड़ रहा हो, लेकिन भगवान पे भरोसा रखिए। जब भी आपके वो पाप खत्म होंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। तो अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आपकी लाइफ में जो है उसे एंजॉय कीजिए। हो सकता है कि आपके पास एक बेटा है, किसी के पास बेटा भी ना हो। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा घर है या छोटा सा घर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास छोटा घर भी नहीं है। आपके पास स्कूटर है लेकिन कुछ लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। तो जो आपकी लाइफ में है उसमें एंजॉय कीजिए, क्योंकि किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती। ज़रूरत ज़रूर पूरी करनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई। जैसे ही आप एक इच्छा को पूरे करेंगे आपकी दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। तो इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए और भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।